हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अब हम जो क्लास टेंथ की साइंस की जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देख रहे थे उसके अंदर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देख रखा है हमारे को, अगला क्वेश्चन है राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। हमारे को केमिकल रिएक्शन लिखनी है जिसके अंदर जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए हीट की, लाइट की या फिर इलेक्ट्रिसिटी की, कहने का मतलब हमारे को एक्सटर्नल जो एनर्जी है उसकी जरूरत पड़ती है। ये हमारे को यहाँ पर शो करना है केमिकल इक्वेशन लिखकर और उसको समझाना है। आंसर कैसे लिखेंगे, एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट। अगर हमारे को एनर्जी जो है वो सप्लाई की जाती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हैपन करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए हीट अगर सप्लाई कर रहे हैं तो हम ये इक्वेशन जो है वो लिख सकते हैं केमिकल इक्वेशन। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। अगर CaCO3 की अगर उसको हीट दिया जाएगा, उसको हीट दी जाएगी तो वो डिकम्पोज हो जाएगा। और डिकम्पोज किस किस के अंदर हो जाएगा, एक तो लाइमस्टोन के अंदर और एक कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। ये तो क्या है, लाइमस्टोन, और ये क्या है, क्विक लाइम, और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को अगर हीट दी जाती है, हीट अगर एनर्जी की फॉर्म में अगर उसको दी जाती है, वो तो डिकम्पोज हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। तो CaCO3 जो कि सॉलिड स्टेट के अंदर है, जिसको लाइमस्टोन बोला जाता है, अगर उसको हीट दी जाएगी तो ये CaO और CO2 के अंदर जो है वो टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एनर्जी जो है वो किस फॉर्म के अंदर दे रहे हैं, हीट के फॉर्म में दे रहे हैं। हीट पाकर जो है वो CaCO3 जो है वो डिकम्पोज हो जाता है CaO के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। इसको बोला जाता है लाइमस्टोन, इसको बोला जाता है क्विक लाइम, और इसको बोला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एक बात ये भी याद रखना, ब्रैकेट के अंदर ऐसे जो दी जाते हैं, इसका मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पर S लिखा हुआ हो इसका मतलब वो चीज़ जो है वो सॉलिड स्टेट के अंदर है, अगर G लिखा हुआ हो इसका मतलब वो चीज़ जो है वो गैस स्टेट के अंदर है, अगर L लिखा हुआ हो इसका मतलब वो चीज़ जो है वो लिक्विड स्टेट के अंदर है। अब यहाँ पे CaCO3 देखिए, जो लाइमस्टोन है वो कौन सी स्टेट के अंदर है, सॉलिड स्टेट के अंदर, और हमारे पास जो क्विक लाइम जो हमारे को रिसीव हो रहा है ब्रेक डाउन होने के बाद, CaO जो है वो भी सॉलिड स्टेट के अंदर है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस मिल रही है वो गैस की फॉर्म के अंदर यहाँ पर रिलीज हो रही है। तो आपको याद रखना है ये रिएक्शन कैसे होगी, कैल्शियम कार्बोनेट की, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3, और हीट मिलने के बाद ये ब्रेक डाउन हो जाता है CaO के अंदर, CaO के अंदर और CO2 के अंदर, इन दोनों के अंदर टूट जाता है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया, जिसके अंदर एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म के अंदर सप्लाई जो है वो की जाती है। ये तो हो गया हमारे पास एग्जाम्पल नंबर एक। अब आगे बढ़ते हैं, एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ लाइट। आपने सिल्वर क्लोराइड जिसका फॉर्मूला क्या होता है, AgCl, अगर सिल्वर क्लोराइड को अगर सनलाइट दी जाए, क्या दे रहे हैं हम उसको, सनलाइट, सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl को अगर सनलाइट दी जाएगी तो वो Ag के अंदर और क्लोरीन गैस के अंदर जो है वो टूट जाता है। अब इसको बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे 2 लगा दीजिए और यहाँ पर जो है वो 2 लगा दीजिए, और क्लोरीन जो है वो तो ऑलरेडी 2 है, तो ये बैलेंस हो गया। 2AgCl अगर इसको सनलाइट दी जाती है, एनर्जी की फॉर्म के अंदर हम इसको क्या दे रहे हैं, सनलाइट दे रहे हैं, सनलाइट मिलने के बाद AgCl जो है वो ये टूट जाता है Ag के अंदर और क्लोरीन गैस के अंदर। ये क्लोरीन जो है वो गैस के अंदर है और Ag सॉलिड है और ये भी सॉलिड है। तो यहाँ पर एनर्जी जो है वो किस फॉर्म के अंदर सप्लाई दी जा रही है,
लाइट फॉर्म के अंदर जो है वो दी जा रही है, क्योंकि हम क्या डाल रहे हैं, सनलाइट जो है यहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं, और सनलाइट की वजह से AgCl जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है Ag के अंदर और क्लोरीन गैस के अंदर। तो सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, सनलाइट के अंदर जो है वो सिल्वर जो है, सिल्वर क्लोराइड जो है वो ग्रे हो जाता है। इट इज बिकॉज द हीट ऑफ सनलाइट डिकम्पोजेस सिल्वर क्लोराइड इंटू सिल्वर एंड क्लोरीन। और ऐसा क्यों होता है, वो ग्रे क्यों हो जाता है, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर जो AgCl जो है वो सिल्वर और क्लोरीन गैस के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, सिल्वर क्लोराइड जो है वो सिल्वर और क्लोरीन के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो आप ये दो रिएक्शन लिख सकते हैं, एक तो CaCO3 जो है वो हीट मिलने के बाद CaO और CO2 के अंदर टूट जाता है, एक रिएक्शन तो ये लिख सकते हैं, एक 2AgCl ये ब्रेक डाउन हो जाता है अगर उसको सनलाइट दी जाएगी तो Ag और Cl2 के अंदर। ये Cl2 जो है वो किस फॉर्म के अंदर है, गैस के अंदर है, मैंने आपको ये बता ही दिया। अगर ब्रैकेट के अंदर S लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो सॉलिड स्टेट के अंदर है, G लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो गैस स्टेट के अंदर है, L लिखा हुआ तो इसका मतलब वो लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है। तो इस क्वेश्चन का जो है आप इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं, ये दो रिएक्शन आप लिख सकते हैं, एक के अंदर हम हीट दे रहे हैं, एक के अंदर हम सनलाइट दे रहे हैं। हीट देने के बाद CaCO3 जो है वो CaO और CO2 के अंदर टूट जाता है, और AgCl को अगर सनलाइट देंगे तो Ag और Cl2 के अंदर टूट जाएगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। एक यहाँ पर ये भी दे रखा है, ये भी आप देख लीजिए, एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने दो देख ली, एक तो सनलाइट दे दिए, एक हीट दे दिया। अब हमारे को जो तीसरा बोल रखा है इलेक्ट्रिसिटी, भाई इलेक्ट्रिसिटी देकर भी तो हम किसी भी रिएक्टेंट को तोड़ सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं, तो उसका भी हमारे को यहाँ पर एग्जाम्पल देना है। अगर H2O को हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, H2O को हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के अंदर जो है वो टूट जाता है। H2O को यानी कि वाटर को, और अगर उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी अगर हम प्रोवाइड करते हैं एक्सटर्नल सोर्स के रूप में, एक्सटर्नल एनर्जी के रूप में, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के रूप में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या होता है ये, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर को अगर, जल को, वाटर को, पानी को अगर उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ H2O इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर क्या होता है, वाटर के अंदर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है, इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो इस प्रकार से आप तीनों लिख सकते हैं, हीट, सनलाइट और इलेक्ट्रिसिटी, और तीनों की रिएक्शन मैंने आपको बता दी। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। और अगर आपको अपनी क्लास के नोट्स चाहिए तो आप हमारे को व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए आप 8696608541, या फिर आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, इसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, नोट्स वगैरह सब कुछ यहां पर मिल जाएगा। तो प्ले स्टोर से शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप हमारे को डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी हम आपको नोट्स वगैरह भेज देंगे। ओके गाइज, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू सो मच।